नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, बच्चों के साथ महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों की जिंदगी बदल रही प्रधानमंत्री आवास योजना। उधम सिंह नगर में कच्चे मकान में रहने वाले कई लोगों को मिला अपना आशियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राज्य में 7 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने की समिट की तैयारियों की समीक्षा। और देहरादून का प्रेमनगर थाना बना गरीब बच्चों की पाठशाला। सड़क पर कूड़ा बीनने वाले बच्चों को सिखाया जा रहा है पढ़ना लिखना। स्वच्छता के प्रति भी किया जा रहा है जागरूक। अब खबरें विस्तार से। बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देहरादून में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पोषण योजना को लेकर राज्य में अब तक हुई प्रगति और उससे जुड़ी कठिनाइयों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि इस योजना को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए पंचायती राज, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा। कार्यशाला में संबंधित विभागों के सचिव और निदेशकों से कहा गया है कि वे अपने विभाग के कर्मचारियों को पोषण योजना में सहयोग देने के निर्देश दें। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में पोषण योजना के तहत बच्चों के साथ साथ महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड ने विकसित किया है, उस पर केंद्रीय महिला बाल कल्याण मंत्री माननीय मेनका गांधी जी वो स्वयं मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि ये देश में सबसे अच्छा अगर कोई पुष्टाहार है तो ऊर्जा है। हमारी कोशिश है कि हम इसको और अधिक बना करके तैयार करके वो भी हम उन महिलाओं को उसमें जोड़ना चाहते हैं जो स्वयं कुपोषण का शिकार हैं। देश में कुपोषण की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से इस वर्ष 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी, जिसे चरणबद्ध तरीके से देश भर में लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों की जिंदगी बदल रही है। वो परिवार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, 2 जून की रोटी के लिए हर रोज कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, जो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कभी अपना घर होगा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से इनका वो सपना पूरा हुआ। पेश है उधम सिंह नगर से एक रिपोर्ट। जो कच्चे मकानों में रहते थे, धूप बारिश गंदगी से जूझते थे, जिनके पास शौचालय तक नहीं थे, तूफान कब सर से छत उड़ा ले जाए, कब उनकी झोपड़ियां टूट जाए, जीवन पूरी तरह अनिश्चित था। आज उनके पास अपना एक घर है, अपना खुद का आशियाना। वे शुक्रिया अदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। एक घर ने जिंदगी की कई मुश्किलों को हल कर दिया है। जब से घर मिला है, जितना दिक्कतें थे, जितना वो थे, मेरा सब खत्म हो गया। डर था किराया मकान का, मेरे को आराम मिल गया, थोड़ा बच्चों के से भी डर लग कम हो गया। अब मेरे को बहुत आराम है, घर मिला तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया है। घर बहुत ही कच्चा था और झोपड़ी वगैरह में रहते थे, फर्श नहीं था, मिट्टी से घर बना रखा था, और आंधी तूफान आने के बावजूद हमारा घर कभी कभी टूट जाता था, हमें बहुत दिक्कत होती थी बरसातों के टाइम तो खासकर, और सांप कीड़ों का भी बहुत डर रहता था, और शौचालय भी ना होने के बावजूद हमें बाहर शौचालय करने जाना पड़ता था। अब शौचालय मिलने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होती है शौचालय की भी, और घर भी मिल गया है। उधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों गरीब परिवारों को छत नसीब हो रही है, उनका जीवन बदल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से हमारा भी मकान मिला हुआ है, जिसमें कुछ मकान ऊपर तक चौकट तक आ गया है, बाकी अभी किस्तें बाकी है, आ जाने पर मैं भी अपना मकान बना लूँगा। और पहले तो बहुत डर था हम लोग का, बरसातों में आंधी में
आग से हर एक तरीका से हम लोग परेशान रहते थे, लेकिन अभी इस टाइम हम लोग गरीब अपना राजी खुशी से रह रहे हैं, बच्चे भी सुखी से अपना जीवन बिताएगा। उत्तराखंड में दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई। उधम सिंह नगर के जिला परियोजना अधिकारी बताते हैं कि किस तरह इस योजना को अमल में लाया जा रहा है। योजना का मुख्य प्रावधान यह है कि एक वर्ष के भीतर अपना आवास कंप्लीट करना होता है। इसमें शुरुआत से पहली किस्त के तौर पे 60,000 रुपये, द्वितीय किस्त के तौर पे 40,000 रुपये और तृतीय किस्त के तौर पे 30,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मनरेगा से 95 मैनडेज के पैसा भी इसमें अलग से लाभार्थी को दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को मनरेगा से जोड़कर ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ते हुए शौचालय बनाए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थी परिवारों को शौच के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। कार्य और अनुभव के जरिए शिक्षा बेहतर तरीके से हासिल की जा सकती है, महज किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रायोगिक शिक्षा गांधी जी की नई तालीम पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में प्रायोगिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। ये पुस्तिका विद्यालयी शिक्षा और DLED पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए तैयार की गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद ने इस पुस्तिका को तैयार किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा को सिर्फ व्यवसायिक और रोजगार का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षक और अभिभावकों को शिक्षा के समाज पर पड़ने वाले दूरगामी असर को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक, अभिभावक और छात्रों के बीच रचनात्मक बातचीत होनी चाहिए, ताकि छात्र छात्राओं की कमियों को मिलजुल कर दूर किया जा सके। उत्तराखंड में स्वच्छ भारत अभियान को जन भागीदारी से जोड़कर सफल बनाया जा रहा है। पौड़ी के नौडियल गांव में महिलाएं स्वच्छता को लेकर बेहद जागरूक हैं। महिलाओं ने स्वच्छता मिशन से प्रभावित होकर पूरे गांव को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। महीने में 2 बार गांव में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाता है। साफ सफाई बरतने के लिए नौडियल गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हम लोग सभी लोग गांव में हर 15 दिन में सफाई करते हैं। महीने में 5 तारीख को हमारी बैठक होती है, तो हम झाड़ू झूड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं। महिला सदन में पूरे गांव में झाड़ी झूड़ी काटते हैं। शौचालय बढ़िया थी ना, और जैविक खादा का गड्ढा, अजैविक खादा का गड्ढा भी बढ़िया थी ना, और सब लोग सब बीमारी से दूर रहने, सफाई साफ रही और पानी व्यवस्था भी पूरी थी। तो झीड़ी झाड़ी काट के ही बेटी बुआरी खूब सफाई कर देना, अपने काम छोड़ दे ली तो सफाई का नुकड़ा पहले देना, या गंदो पानी डालो तो टंकी उधर साफ कर देना। साफ सफाई के साथ साथ नौडियाल गांव में हर घर में शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक घर में बर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर रखा है, और ये कूड़े के निस्तारण का निर्माण भी अभी हो ही रहा है। वैसे तो है, लेकिन अभी और ज्यादा अच्छा हो रहा है। और शौचालय, जिनके घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, उनके घरों में शौचालय की व्यवस्था भी कर रखी है, और वो अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करते हैं, और जागरूक तो बहुत ज्यादा है। गढ़वाल कमिश्नर शैलेश बगोली का कहना है कि यदि उत्तराखंड को पर्यटक प्रदेश बनाना है तो साफ सफाई का खास ख्याल रखना होगा। है या हमारे उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं जिनको हम कहते हैं कि पर्यटक प्रदेश बनाना है, तो जब तक हम साफ सफाई नहीं रखेंगे कोई पर्यटक यहाँ पे नहीं आएगा। कि पर्यटक आता है तो सबसे पहले उसकी नजर में आता है कि यहाँ पे साफ सफाई कैसी है, गंदगी तो नहीं है, ये सब चीजें। सामूहिक भागीदारी से ही स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पौड़ी का नौडियाल गांव इसका एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। प्रदेश में आगामी 7 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि उद्घाटन के बाद विभिन्न कंपनियों के CEO के साथ विचार विमर्श होगा। वहीं सम्मेलन में बुलाए गए कंट्री पार्टनर के साथ अलग से सेशन होगा। 8 अक्टूबर को हेल्थ केयर और वेलनेस, MSME, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा और कौशल विकास पर सेशन होंगे।
मुख्य सचिव ने इन्वेस्टर्स समिट के लिए गठित समिति के साथ बैठक में निर्देश दिए कि महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए लेआउट में उत्तराखंड की झलक दिखनी चाहिए, यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा और उत्पादों का प्रदर्शन समिट में होना चाहिए। गौरतलब है कि इस सम्मेलन की तैयारी के लिए 4 मिनी कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। हरिद्वार में आयुष, हर्बल फार्मा और सगंध पादप, टिहरी में पर्यटन और वेलनेस, नैनीताल में फिल्म शूटिंग और पर्यटन, रुद्रपुर में ऑटोमोबाइल और खाद्य प्रसंस्करण का आयोजन किया गया। इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली में रोड शो और अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की गई। राजधानी देहरादून में एक ऐसा पुलिस स्टेशन भी है जो गरीब बच्चों की पाठशाला बन गया है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक ये पुलिस स्टेशन एक स्कूल में तब्दील हो जाता है। नजदीक की झोपड़पट्टी के कई बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। किताबों के साथ साथ बच्चों को साफ सफाई के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। गुंगराले बाल, काले बाल, ठुमक ठुमक के नाच दिखाती, मेरी गुड़िया सबको भाती। ये वो बच्चे हैं जो अब तक सड़क पर कूड़ा बीनने जैसे काम किया करते थे। माँ बाप इन्हें छोड़कर दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में चले जाते हैं। देहरादून की आसरा संस्था ने इन बच्चों को सड़क किनारे फुटपाथ पर पढ़ाना शुरू किया। सड़क पर पढ़ते बच्चों को देख प्रेमनगर थाने के अधिकारी ने चिंता जताई। उन्होंने थाने में ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह दे दी। यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक एरिया पड़ता है नंदा की चौकी, वहाँ से ये बच्चे आते हैं। इनमें से ज़्यादातर कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं या फिर जो अपनी मजबूरी वश उन्हें भीख मांगना पड़ता है, वो बच्चे हैं जो कि हमारे साथ आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब ये पुलिस थाना ही इन बच्चों की पाठशाला बन गया है, जहाँ बच्चे गणित, अंग्रेजी जैसे विषयों के साथ साथ साफ सफाई के बारे में भी सीखते हैं। अच्छी पढ़ाई होती है, जिसे भी छोटा बड़ा और बंटू। और स्वच्छता के बारे में कुछ बता रही थी मैडम अभी। हाँ, केले के छिलके सड़क के किनारे मत डालो, उन्हें उठाकर कूड़ेदान में डालो। थाने में चल रही इस पाठशाला में 51 बच्चे हैं। खाली समय में थाने का स्टाफ भी इन्हें पढ़ाता है। उन बच्चों को भी समाज में बराबर बैठने का हक है, समाज की समझ उनको भी होनी चाहिए। बच्चे गरीब के हों या अमीर के हों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन जब हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे नहीं, उनको समझाएंगे नहीं, तो वो क्या समझ पाएंगे? वो तो यही समझेंगे ना कि हमने रोड में कबाड़ा चुनना है और घर जाना है, खाना खाना है, सो जाना है। वो लोग नहाते धोते नहीं है, कुछ काम ही नहीं करते, उनके पेरेंट्स भी सुबह से उनको कुछ नहीं समझाते। लेकिन सड़क पर भटकते इन बच्चों के पास अब अपनी कॉपी किताबें हैं, जहाँ ये जीवन के जरूरी सबक सीख रहे हैं। ये बच्चे हैं जो कल तक गली मोहल्लों में कूड़ा बीनने का काम करते थे और प्लास्टिक बीनते थे और उनको बाजार में जाकर बेचते थे, उससे पैसा मिलता था, उससे ये अपना टॉफी खाते थे, चॉकलेट खाते थे, मनोरंजन करते थे, क्योंकि इनके माता पिता गरीब हैं, वो भी भीख मांगने का काम करते हैं। कहीं कहीं बच्चे भीख मांगते थे, लेकिन पुलिस के सहयोग से आसरा संस्था इन बच्चों को वहाँ से ले आई। ये थाना परिसर है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, इनको बुनियादी ज्ञान शिक्षा दी जा रही है, स्वच्छता के बारे में बताया जा रहा है, इनके अंदर जागरूकता पैदा की जा रही है, इनको मुख्य धारा में शामिल करने का बड़ा काम हो रहा है। और ये बच्चे आज पढ़ रहे हैं, आगे बच्चे को स्कूल में भेजा जाएगा। कैमरामैन पंकज श्रीवास्तव के साथ राघवेश पांडे, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। देहरादून में आज से 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी शुरू हुई है। एक स्थानीय संस्था की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फोटोग्राफी सीख रहे बच्चों ने जिंदगी के अलग अलग पक्षों को दर्शाते हुए अपने कैमरे में तस्वीरें कैद की हैं। पहाड़ी महिलाओं की जिंदगी से लेकर प्रकृति की खूबसूरती तक को कैमरे के जरिए तस्वीरों में जीवंत किया गया है। प्रदर्शनी में अपनी तस्वीरें लेकर आई फोटोग्राफर पारुल सिंह का कहना है कि फोटोग्राफी के जरिए जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाने की कोशिश की गई है। इसमें हम लोगों ने फाइन आर्ट फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट्स, पोर्ट्रेट्स, फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोग्राफी, सब तरह के आयामों को दर्शाने की कोशिश की। एक्चुअली जब हम हमारी फोटो जो सामने देख रहे हैं और उसके सामने जो कोई आदमी घूम रहा है, उसका फोटो में और अच्छा लगा, और वो आदमी उसके उस फोटो में और इंटरेस्ट लगा, और वो बताने में अच्छा लगा।
प्रदर्शनी देखने आए दर्शकों को भी ये तस्वीर बेहद पसंद आई। बच्चे मेहनत करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ अच्छा लगा आपको आज की प्रदर्शनी में? सभी फोटो जो है बहुत अच्छी लगे, उनके लोकेशन बहुत अच्छी लगी, बड़े अट्रैक्टिव है साथ। देहरादून के जाखंड स्थित एक मॉल में लगी ये प्रदर्शनी 9 सितंबर तक चलेगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।